हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपने गांव, जो कि मेरा गांव हिमाचल प्रदेश में है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। और ये हमीरपुर एंड बॉर्डर पे है, यानी कि बिलासपुर टच हो जाता है। तकरीबन 4 किलोमीटर का एरिया के बाद मेरा जो है बिलासपुर बाउंड्री टच हो जाती है। तो चलिए, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गाँव। तो मेरे गाँव जाने के 2 रास्ते हैं, एक तो बाया ऊना होके भी जा सकते हैं और एक बिलासपुर या स्वारघाट होके भी। सो चलते हैं गाइज, और मैं आपको दिखाता हूँ बीच बीच में क्या आता है, हमारे हिमाचल का कल्चर कैसा है। और ये मैं जुलाई मंथ का वीडियो बना रहा हूँ, तो जुलाई मंथ का ये सिनेरियो आप देखोगे हिमाचल का, कि कैसा है हमारा हिमाचल और हमारा गांव कैसा है। गाइज, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो स्वारघाट टू बिलासपुर रोड है, ये बहुत ट्रैफिक वाला है। यानी कि ट्रैफिक तो हर जगह होता है, लेकिन इस रोड पे आपको ट्रक बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप देख सकते हो कितना ट्रैफिक है, कई बार तो ये ट्रैफिक 3 या 4 किलोमीटर लगातार लगा रहता है, और वन वे है, वन वे जाने का, वन वे आने का, तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो अगर आप हिमाचल आने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, या फिर आप नाइट में ड्राइव करोगे तो और भी अच्छा है। तो क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बहुत ट्रैफिक हो जाता, तो ऐसे जैसे ये मैं खड़ा हूँ तो हमें खड़ा होना पड़ा आधा घंटा। तो आप भी आ रहे हो तो आने का प्लान ऐसा करना कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपने नज़ारे देखने हैं तो आप दिन में आइए, जहाँ गाड़ी रुकती है वहाँ के आप, मतलब आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी। जहाँ भी गाड़ी रुकेगी आप वहाँ के नज़ारे देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। और हिमाचल तो गर्मियों में आने का मतलब आप ये मान के चलो कि आप एक एयर कंडीशनर में आ गए, और ऐसा एनवायरनमेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो हिमाचल आइए और आते रहिए और यहाँ के नज़ारे देखते रहिए। सो चलिए, आपको लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आगे क्या क्या है। और ये जो रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं बिलासपुर होके, ये रास्ता मनाली और लेह को भी यही रास्ता जाता है। तो अगर आप कभी मनाली या लेह का जाने का सोच रहे हो, रोहतांग वगैरह का, तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलना इस वे से, या फिर नाइट पे निकलना, क्योंकि नाइट पे इतना ट्रैफिक होता नहीं है। जितनी भी ट्रैफिक है वो डे में होती है ज़्यादातर। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो आने का, तो एक बार ये माइंड में ज़रूर रखना, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है इस रोड पर, ट्रक का बहुत ज़्यादा है। और तो ये यहाँ से मेरा गांव स्टार्ट हो जाता, ये लिंक रोड है, तो आप देख सकते हो यहाँ से मेरे गांव की जो पंचायत का एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है।
तो ये मैंने वीडियो एक्चुअली एक्टिवा पे बनाई है। जब हम पहुंचे थे रात हो गई थी, रात में वीडियो इतना सूट होना नहीं था, तो इसका आपका व्यू का पता भी नहीं लगना था। तो मैंने ये एक्टिवा से ही बनाई है। ये हमारा पूरा गांव है, गांव का लिंक रोड है। आप देख सकते हो कितनी हरियाली है चारों तरफ रोड के राइट और लेफ्ट में। तो गर्मियों में तो ये बहुत अच्छा लगता है और बरसात के टाइम में तो और भी अच्छा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने गाँव और अपने घर। सो ये आ गया मेरा घर। मेरा घर बिल्कुल मार्केट के साथ ही है और रोड के बिल्कुल साथ में ही। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला मेरा घर है। तो ये है मेरा घर। तो ये आप देख सकते हो, इधर ये बड़ा गेट लगा हुआ है, अंदर 3-4 क्या 10 गाड़ियाँ भी खड़ी हो सकती हैं। और ये इधर मार्केट है हमारी। मार्केट में हर तरह का सामान मिल जाता है जो कि ज़रूरतमंद होता है, मतलब जो भी नीड डेली नीड का सामान होता है सब मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ी मार्केट है, तकरीबन तकरीबन 30 या 40 के करीब टोटल दुकान है यहाँ पे, और हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है जो भी घर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मेरे घर का अंदर का सिनेरियो है, ये अंदर का गेट है, ये आप देख सकते हो। तो मेरा घर बहुत ही अच्छी जगह है और हिमाचल में ना ज़्यादा हिल एरिया पे है ना प्लेन पे, मतलब नॉर्मल सा आप मान के चलो। तो आप देखिए नज़ारे, मैं आपको और भी दिखाता हूँ क्या चीज़ है। और हमारे जो लोकल मार्केट है उसमें हर तरह का आपको सामान मिल जाता है। ये देखिए हर चीज़, मतलब जो भी हमारे डेली यूजेस की होती है वो हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। तो हमें कहीं इधर उधर जाने की लोड़ नहीं है। तो बाकी मैं आपको ये अपनी छत से अपने गांव का पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ। ये हमारा पूरा गाँव है, ये मार्केट आ गई और मार्केट के बाद इधर ये पूरा हमारा गाँव है। अब देख लीजिए, ये मेन रोड है और ये देखिए पूरे हमारे गांव का नज़ारा है। मतलब गांव में ये होता है कि घर थोड़े थोड़े दूर होते हैं, कहीं कहीं इकट्ठे भी होते हैं। और ये देखिए, ये भी एक हमारे गांव के साथ एक और गांव लगता है। और ये जो है ये नीचे, ये हमारे चाचा जी का घर है। और बाकी मैं दिखाता हूँ आपको आगे क्या क्या है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हिमाचल में मैक्सिमम गाँव में जितने भी घर हैं उनमें सब में अपनी भैंस या गाय होती है। तो आप ये देख लीजिए, ये हमारी भैंसें हैं, हमारी और हमारे चाचा और की। तो दूध की तो कोई कमी नहीं होती। बाकी खेत भी सब कुछ, मक्की और गेहूं सब कुछ अपना होता है। तो मोस्टली चीज़ें हमारे घर की उगाई होती हैं, दालें, खीरा, सब्जियाँ, हर चीज़। तो मैं जब भी गाँव आता हूँ तो गाँव में मुझे चिकन बनाने का बड़ा मज़ा आता है, और खुले में वो भी। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने ये चिकन बनाया, तो ये मैंने ऊपर छत पे बनाया। छत पे हमने एक टेम्प्रेरी चूल्हा रखा हुआ है कढ़ाई पे चिकन बनाने का, और उसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने चिकन बनाया। और ये मेरे भाई के बच्चे हैं, मेरे भतीजे, ये छोटे वाला है और ये बड़े वाला। ये खूब मस्ती करते हैं जब भी हम जाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों के साथ। तो गाँव में मज़ा ही कुछ और है, आपका पूरा टाइम पास होता है। तो चलिए आपको देसी स्टाइल में मुर्गा बना के दिखाते हैं। आप देखिए कैसे ये मुर्गा बनता है, हिमाचली मुर्गा। Thank you.
सो फाइनली आप देख सकते हो देसी स्टाइल में मुर्गा, देसी स्टाइल में कढ़ाई पे मुर्गा और चूल्हे पे वो भी, इसका मज़ा ही अल्टीमेट है भाई। और जिन लोगों ने खाया होगा तो भाई मेरे को कमेंट जरूर करना आपने हिमाचल में इस तरह से मुर्गा खाया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है भाई। और जो नॉन वेज नहीं खाते हो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर देने, अगर आप देखना चाहते हो तो देख लें प्लीज़। चलिए फिर आगे मैं आपको लेके चलता हूँ कि और क्या क्या होता है हमारे गाँव में। और हमारे गांव में मैक्सिमम लोग जो है अपनी सब्ज़ी उगाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक स्टाइल में, कोई इसमें खाद नहीं होती। तो हर घर में आपको सीजनल सब्ज़ी देखने को मिलेगी। और गांव में क्या होता है कि मार्केट से बहुत ही कम सब्ज़ी आती है जो लोग नहीं उगाते हैं। और वैसे 70-80% हिमाचल में लोग अपनी सब्ज़ियाँ उगाते हैं। तो आप देख सकते हो ये बैंगन लगे हुए हैं, भिंडी मैंने आपको दिखाई, तो जुलाई मंथ में ये सीजनल आपको सब्ज़ियाँ मिलेंगी। देखिए नींबू लगे हुए हैं छोटे छोटे, हरी मिर्ची आपको दिख रही होगी, बैंगन है, घिया लगा होता है, ये देखिए ये नींबू लगे हुए हैं, ये संतरे हैं तो अभी पके नहीं है, ये बैंगन लगे हुए हैं, ये टमाटर हैं। और गांव की सब्ज़ी इतनी टेस्टी होती है क्योंकि विदाउट खाद होती है, इसका टेस्ट ही बहुत अलग से होता है, आपको मार्केट से हट से टेस्ट मिलेगा। ये टमाटर अभी पके नहीं है तो आप देख सकते हो। और गाँव में लोग बहुत मेहनत करते हैं, देखिए हरी मिर्ची, और ये मिर्ची इतनी तेज़ होती है कि मार्केट की अगर आप एक मिर्ची, मार्केट की सॉरी 10 मिर्चियाँ और घर की आप एक मिर्ची एक बराबर होती है। देखिए घिया अभी छोटा है लेकिन ये बड़ा होएगा तो ये सब्ज़ी के काम आएगा। सो ऐसा नहीं है कि गांव में सब्ज़ियाँ ही होती हैं, आपको सीजनल फ्रूट भी हर तरह का मिलेगा। देखिए अमरूद हैं, ये आपको अनार दिखेंगे, और अनार भी बहुत अच्छे होते हैं देसी अनार। ये देखिए ये हमारे घर के एप्पल हैं। देखिए हमीरपुर में पहले तो सेब नहीं उगता था लेकिन अभी टेक्नोलॉजी इतनी सही होगी कि हमारे हमीरपुर में भी सेब उगने लग गया। ये देखिए ये सेब का पेड़ है जो कि हमारे आंगन में लगा हुआ है, और इसमें तकरीबन ये मान के चलो 200 या 150 के करीब सेब लगा है। अनार हैं, करेले हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं, और जहां भी स्पेस मिलता है गांव में हर जगह सब्ज़ी उगा देते हैं। और गांव में ऐसा नहीं कि आपने सब्ज़ी उगा दी और आपको फल देती रहेगी या आपको सब्ज़ी देती रहेगी, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरे पापा जी भी आर्मी से रिटायर हो गए हैं तो पापा जी को नेचर से बहुत प्यार है, वो सब्ज़ियों में मतलब इन खेती बाड़ी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और अच्छी बात है कि आप इधर उधर के मसलों से है कि आप अपनी खेती बाड़ी में टाइम स्पेंड करें। तो ये हमारे बाहर के खेत हैं और यहाँ देख लीजिए अभी मक्का उगने लगा है, और ये हमारे आड़ू लगे हैं खेतों में। तो अगर आपने मार्केट में यही आड़ू लेना हो तो आपको 50 या 60 रुपए से ऊपर मिलेगा, और वो इतना टेस्टी नहीं होगा। और ये इतने जूसी आड़ू होते हैं, बहुत ही बढ़िया आड़ू होते हैं, और ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जबकि आपको यही शहर में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। तो हिमाचल इसलिए बहुत सही है, बहुत अच्छा है। और ये देखिए आड़ू कितना लाल है। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ, और भी आड़ू लगे हुए हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। जुलाई और अगस्त मंथ में आपको आम भी बहुत मिलेंगे। देखिए आम, आम का पेड़ है नीचे, आम पका हुआ आम मिला, तो आम भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। हिमाचल में आम की तो कोई कमी नहीं है, बहुत सारे आम है हमीरपुर में, और ये देसी आम होता है छोटा आम, और ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है और जूसी होता है। आप देख लीजिए कितने आम लगे हुए एक ही टहनी पर, तो ये जब भी पकते हैं तो ऑटोमेटिकली हवा से ही नीचे गिर जाते हैं। तो पका हुआ आम खाइए और इन्जॉय करिए। देखिए हम ये इतने सारे आम लेके आए ये पेड़ के नीचे से उठा के, तो ये देखिए कितने रेड हैं और ये बहुत जूसी हैं, ये देखिए। और हिमाचल में तो आम खाने का मज़ा ही अजीब सा है, जिन लोगों ने खाया है उनको तो पता है कि कितना मज़ा आम खाने का आता है। ये देसी आम होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, तो ये देख लीजिए आम कितने रेडी हैं। और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखिए मैं, ये मेरा भतीजा है, ये भतीजा है मेरा, तो ये आम खाता हूँ आपको दिख रहा है,
ये देखिए कितने मज़े से आम खा रहा है, और ये इसको मैंने बिठा के रखा है कि तेरी वीडियो बना के मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा। तो बड़ा ही ये देखो सेंसिटिव बन के बैठा है, वैसे बहुत शैतान है ये। और ये देखिए काफ़ी और भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको, ये जो कड़ी पत्ता होता है उसका ही फ्रूट है। और इसके बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारा जंगल का सिनेरियो है पूरा, ऐसे जंगल होते हैं वहाँ पे हिमाचल में, और ये हरे भरे होते हैं बिल्कुल, चील ही चील के पेड़ दिखेंगे। और यहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध होती है, हरियाली आप देख सकते हो कितनी अच्छी होती है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, आगे भी आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। जो मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए नेचुरली पानी निकलता था, लेकिन इस वरी गर्मियों की वजह से पानी का लेवल बिल्कुल डाउन चला गया। तो ये नेचर भी यहाँ पानी पूरे भरा होता था, तो देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है। तो बारिश कम होने के कारण ये ऐसी स्थिति आई, अदरवाइज़ यहाँ पानी बहुत होता है। और वैसे तो हमारे लोकल खड्डे होती हैं, उसका मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। ये हमारी जो जिसको बोलते खड्ड बोलते हैं देसी भाषा में, वैसे तो ये स्मॉल नदी होती है। तो यहाँ का देख लीजिए कितना पानी है और कितनी हरी भरी है। यही जो लोकल खड्डे होती ना, वही आगे जाके नदी, और नदी में जाके ये गोविंद सागर में मिलती है, जो कि भाखड़ा बांध का गोविंद सागर है। ये छोटी छोटी नदियाँ आगे जाके बड़ी नदियों में मिलती हैं। तो बड़ी नदी का मैं आपको थोड़ा सीन दिखाता हूँ। ये देखिए ये बड़ी नदी है, तो ये अगले दिन का सिनेरियो है जब बारिश होगी। तो बारिश के बाद आप देख सकते हो कि कैसा माहौल है पूरे अपने हिमाचल का। और ये पानी देखिए आपको मठमैला पानी दिख रहा है, जो कि मिट्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि बारिश होती है। तो बारिश में छोटे छोटे जो नाले मैंने आपको दिखाए पीछे जो सूखे होते हैं, वो उनमें बहुत बाढ़ होती है, और वो मिट्टी को बहा के लेके ऐसी बड़ी नदियों में निकलते हैं, और यही जाके भाखड़ा बांध में जाके मिलती है। था हमारे गाँव का पूरा सिनेरियो, जो कि मेरा एक हफ्ते का ट्रिप था। मुझे तो हिमाचल बहुत पसंद है, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जो लोग नेचर से जुड़े हैं उन्हें पहाड़ बहुत ही पसंद है। तो आप देख लीजिए कितनी हरियाली है, और यहाँ बिल्कुल शांति है, मतलब सिटी की तरह इतनी किचकिच, इतनी भीड़ भड़क्का, इतना शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो भी आवाज़ सुनाई देगी वो आपको बिल्कुल नेचर की सुनाई देगी, या पानी की, या फिर आपको पक्षियों की, या फिर आपको किसी जानवर की, या फिर आपको हवा की, या फिर हवा की तो क्या आवाज़ होती है, लेकिन हवा जब मतलब पेड़ों के साथ मिल के जो आवाज़ करती है ना, उसको आप सुन सकते हो। तो हिमाचल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है। तो आप भी आइए हिमाचल और घूमिए और इन्जॉय करिए हिमाचल का ये ट्रिप। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो बनाऊं और आपके साथ ये शेयर करता रहूं। तो इसलिए हम ये हफ्ते का ट्रिप था, तो इसके बाद फिर हम वापस अपने चंडीगढ़ चले गए, फिर हम चंडीगढ़ वापस आ गए। तो मैं बहुत मिस करता हूँ हिमाचल का, हम भी हिमाचल में होते, लेकिन हिमाचल में इतना जॉब का स्कोप है नहीं, तो इसलिए हम लोगों को या दिल्ली या चंडीगढ़ आना पड़ता है, या किसी और सिटी में जैसे लुधियाना हो गया, या फिर आगे बॉम्बे हो गया, या बेंगलोर हो गया। तो यही है हमारा हिमाचल, और इसीलिए इसको जन्नत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के व्यू और यहाँ का नेचर बहुत ही अच्छा है। सो बने रहिए वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।